नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने मुझे और मेरे व्लॉग्स को उतना ही मिस किया होगा जितना मैंने कंटेंट बनाने और आपसे कनेक्ट ना हो पाने से किया है। सॉरी फॉर द डिले, लेकिन जब यू स्टार्ट तो कभी देर नहीं होती, राइट। अब मैं आप सभी को 2023 की इस क्रिएटिव जर्नी में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ऋतुएं आती है और चली जाती है, परिवार के जरूरत के अनुसार रूटीन भी बदल जाती है। जो हमारे साथ रहता है और साल को खास बनाता है वो एंडलेस यादें हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन तक मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। वेल, मैं यादें बनाने में व्यस्त थी और इस व्लॉग में मैं आप सभी को अपने साथ उनमें से कुछ लम्हों को बांटना चाहती हूँ। दिसंबर का महीना कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। 8 तारीख को हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी और होम टाउन पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग गृह प्रवेश का पूजा था। इस सुबह की चाय की बात अलग थी, चाय बनाना नहीं पड़ा था, इसमें माँ के हाथ का जादू था। रूही को भी नानी के घर मजे आ रहे थे। हमारे बचपन में शादी के सीजन में दावत इतनी होती थी कि हमने इसका महत्व कभी नहीं समझा। अब जब हम इसे सिटी लाइट्स में नहीं पाते तो इन इवेंट्स का एक बहुत ही खास जगह बन जाता है हमारे दिल में। परिवार के लोगों का जमावड़ा, दूर के रिश्तेदारों से मिलना, साथ रहना, दैट वाइब वाज वर्थ माय विजिट एंड टाइम। पूजा दावत खत्म हो गई। दूसरे दिन बचा हुआ खाना बांटना, किराए के बर्तन भिजवाना, पूजा की जगह की सफाई करना, ये सब काम हमें व्यस्त रखा और दिन पलक झपकते बीत गए। लंच का समय हो गया था। दोपहर 3:30 बजे तक रूही बाहर चली गई उसके नाना नानी के साथ। शाम तक रिक्शे में वापस आ गई। उसे रिक्शा की सवारी बहुत पसंद है और जब भी वो होम टाउन आती है तो उसके बकेट लिस्ट में हमेशा ये वाला राइड रहता है। एट नाइट वी वेंट टू अ बजट फ्रेंडली प्लेस। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट इन माय होम टाउन। बारह तारीख शाम तक वी रीच्ड भुवनेश्वर टू अटेंड माई कजिन्स मैरिज। वेल, इट वॉज द मेन इवेंट जिसके लिए हम मेनली मिड वीक ऑफ डिसम्बर में उड़ीसा गए। चलिए आपको ले चलते हैं पैटर्नल साइड के बुआ चाचा बड़े पापा कजिन से मिलाने। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, हमारी माता जी। ये है हमारी प्यारी बहना जो 2 दिन में अपने सिंगलहुड जर्नी को फुल स्टॉप लगाने वाली थी। मेरे बड़े पापा और बड़ी माँ द होस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज।
बहुत नाजुक सा पल होता है ये। जो इस दौर से गुजर चुके हैं उन्हें पता है, मैं तो बहुत इमोशनल हो गई थी मेरे टाइम पे। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था। कजिन ग्रुप में इतने दिनों की चटर पटर, संगीत से लेके शादी तक की प्लानिंग आज एंड होने वाली थी। एक नया मेंबर हमारे फैमिली के साथ जुड़ने वाला था, मिस्ड माय ग्रैंडफादर, होते तो हम सबको साथ देख लेते। और ये दास फैमिली की कजिन स्क्वाड विद देयर स्पाउसेस। रात को वी रिटर्न बैक टू आवर प्लेस। मन नहीं मान रहा था पर मेरे पास वक्त भी ज्यादा नहीं था, मैं अपने ससुराल में रुक गई थी। वेल, हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट बाहर का ही रास आता है, रीजनेबल और बड़ा टेस्टी होता है यहाँ का ब्रेकफास्ट। बैंगलोर जाके मिस ना करें इसलिए हम हर जगह घूम घूम के खाए हैं इस बार। लंच घर पे किए, ताजी सब्जी के साथ लंच का मेन्यू लंबा होता गया। ज्यादा कुछ नहीं किए उस दिन, बस थोड़ा रेस्ट चाहिए था तो वही किए। 16 तारीख को मम्मी के यहाँ मटन पकने वाला था और क्योंकि दामाद जी अच्छे से ससुराल में खाए नहीं थे तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत बंदोबस्त हुआ था। एंड दिस इज माई स्कूल, जब भी क्रॉस करती हूँ बहुत सारे लम्हे याद आ जाते हैं। ब्रेकफास्ट बाहर ही करके गए और मेरी चटोरी को तो घर के ब्रेकफास्ट रास ही नहीं आ रहे थे। वेल, आज का डेरा यही था। ऐसा लग रहा था बस भाग ही रहे हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। अब यही वक्त की रिक्वायरमेंट थी, खुद को उसमें ढालना ही था। सब अपने अपने काम में बिजी हो गए थे, पर जो अपनापन अपनों के साथ मिलता है, आई विल से कि लिव देम टू द फुलेस्ट। रूही को तो बड़े मजे आ रहे थे, स्कूल के डेली रूटीन से ब्रेक मिल गया था, पढ़ाई का नामो निशान नहीं, बच्चे उसी में खुश हो जाते हैं। मम्मी मटन बनाने में लग गई और मैं उसी के आस पास मंडराती रही। रात को हमें न्यूली वेडेड कपल से डिनर के लिए न्योता आया था। अगर आप मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं तो याद होगा आपको कि हम इनकी शादी अटेंड किए थे लास्ट ईयर। दिस ट्रिप वाज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट डे हमारा उड़ीसा में लास्ट डे था। वी वेंट टू विजिट सक्ती'स ग्रैंड मदर जो काफी ओल्ड हो चुकी हैं। आई हैड टू स्टॉप टेकिंग द क्लिप्स। आफ्टर रिटर्निंग रूही अपनी नानी से एक बार लास्ट मिलके आ गई एंड वी हेडेड टू आवर फेवरेट रेस्टोरेंट जो पेंडिंग था विद भाई। इस बार तो पता भी नहीं चला कब गए, कब वापस आने का टाइम आ गया। क्लिप्स तो थे पर एडिट करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं था और एग्जॉस्ट भी हो गई थी मैं। एक वीक के गैप में वी हैड टू ट्रैवल अगेन, तो उसके बीच मैंने सब कुछ स्लोली लिया, घर साफ किए और बस चिल किया। चेन्नई वॉज एन इंस्टेंट प्लान, बाय रोड जाने वाले थे सो वी डिसाइडेड टू गो पॉन्डिचेरी वियर चेन्नई। हमने सूरज उगने से पहले ही शुरुआत कर दी थी, हॉल्टेड एट आनंदम फॉर अ क्विक ब्रेकफास्ट। 6 लंबे घंटे के बाद शहर के चहल पहल भरी सड़कों ने हमारा स्वागत किया। हम सेरेटन होटल के लिए चेक इन करते हैं जहां हमें गर्म जूसी और भरी मुस्कान के साथ स्वागत किया गया। रूम वॉज स्पेशियस एंड कम्फर्टेबल विद अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द सिटी। हमें भूख लगी थी इसलिए बिना ज्यादा समय बर्बाद किए हमने तलाश की एक रेस्टोरेंट के लिए दैट ऑफर्ड गुड नॉर्थ इंडियन स्टाइल फूड एंड लैंडेड एट हबत। फूड एम्बियंस वाइब सब अप टू मार्क था।
आफ्टर लंच वी हेडेड टू वीजीपी एक्वा किंगडम। रूही इस विजिट के लिए बहुत ईगरली वेट कर रही थी। इट वॉज होम टू अ वाइड वेराइटी ऑफ एग्जॉटिक फिशेस। वी वर अमेज्ड बाय द कलरफुल रीफ्स एंड द ग्रेसफुल मोमेंट्स ऑफ द सी क्रिएचर्स। हम थक गए थे लेकिन हाँ, पूरे दिन के एक्सप्लोरेशन के बाद खुश थे। वी हेडेड बैक टू आवर रूम। नेक्स्ट डे हम पौंडीचेरी के लिए निकल गए। एक महीने की थका देने वाली लंबी दौड़ के बाद हम इस रिजॉर्ट स्टे का वेट कर रहे थे। आर्केन बेस्ड रिजॉर्ट पौंडीचेरी, हरे भरे हरियाली से घिरा एक खूबसूरत रिजॉर्ट। इसमें 3 पूल थे और प्रॉपर्टी का लेआउट बहुत अच्छे तरह से प्लान किया गया है। फैमिली वेकेशन के लिए ये बिल्कुल सही जगह है। सभी के लिए कुछ न कुछ था। पेरेंट्स पूल में आराम करते थे जबकि बच्चे प्ले एरिया में खेलते थे। वाइड वॉकवे, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट पिच और भी बहुत कुछ था। हम यहाँ केवल 2 रात रुकने वाले थे इसलिए हम शहर घूमने थोड़ा निकल गए। एज आई वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट्स आई कुड फील द ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड फ्रेंच कल्चर्स। अरविंद आश्रम फॉलोड बाय प्रोमनाड बीच उस दिन का आइटनरी था। हमने पौंडीचेरी में कुछ फेमस सबसे गुड रेटिंग वाले कैफे को शॉर्टलिस्ट किया था। उसमें पहला शांति विला था। क्योंकि वेटिंग पीरियड 1 घंटे का था, वी हेडेड टू अनदर वन कॉल्ड रेंडेवू कैफे एंड आई डू रेकमेंड दिस कैफे। खाना अच्छा था, माहौल मिनिमल और मॉडर्न वाला था। 1 नाइट डाउन और हम रिजॉर्ट चले गए। द रिजॉर्ट फेल्ट लाइवली विद म्यूजिक एंड स्मेल ऑफ डिलीशियस फूड। इस रिजॉर्ट में प्राइवेट बीच था तो हम समुन्दर, सूरज और रेत में खुद को भिगोने के लिए सुबह सुबह निकल पड़े। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे हम रिजॉर्ट में ही स्पेंड किए। ऐसा लग रहा था मानो सूरज ने पानी के ऊपर एक सुनहरी चमक बिखेरी है। द वेव्स वर काम एंड जेंटल, लैपिंग अगेंस्ट द शोर्स। कलेक्टेड सेल्स हैड टू रिटर्न सम लाइवली वन बैक टू द सी। The shadow play, the chasing of water, laughs and giggles were all worth. गर्मी बढ़ रही थी इसलिए हम वापस कमरे में लौट आए, फ्रेश होकर नाश्ता करने चले गए। रूही को पूल में जाना था एंड सो सी वेंट देयर। बाप बेटी हैड सम फन टाइम इन द पूल। दोपहर को हम व्हाइट टाउन गए
टू विजिट द टेम्पल जहाँ एलिफेंट आशीर्वाद देती थी। वहाँ जाके पता चला कि एक महीने पहले उसकी निधन हो गई थी। देन इट वॉज ऑल अबाउट कैफे हॉपिंग। वी वेंट टू कैफे डेस आर्ट एंड इट वॉज अ लॉन्ग वेट, लिमिटेड फूड टू चूज फ्रॉम, बट ऑल इट गेव अस वॉज अ लेट बैक वाइब। हर कैफे में सेम सीन था, टू लॉन्ग वेटिंग आवर्स और वेदर वॉज टू हॉट। इमेजिन इवन ड्यूरिंग विंटर वी वेर सो एग्जॉस्टेड। कुरमंडल कैफे, ड्यूप्लेक्स, ला मैंसन कैफेज, वी सॉ देम ऑल, पर वी गेव अप ऑन लॉन्ग वेटिंग आवर्स। रूही भी बहुत थक गई थी और हमें कैमरा बंद करना पड़ा। वेल दैट्स हाउ माई लास्ट मंथ वेंट बाई एंड द रीजन बिहाइंड नॉट बींग एक्टिव ईयर। एज द न्यू ईयर अप्रोच्ड देर वॉज अ सेंस ऑफ न्यू होप। द इवेंट्स ऑफ पास्ट 12 मंथ्स वेर फिल्ड विद मिक्स ऑफ इमोशंस एंड दिस वॉज माई 1 month लॉन्ग chaotic yet relieving वाला ट्रिप। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी ही मिलेंगे न्यू कॉन्टेंट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।